Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ Shiny. आज हम लोग बात करने वाले हैं हेयर केयर के ऊपर, क्योंकि you all know how much I love long hair. मुझे लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है, but लॉन्ग हेयर मेंटेन करना और लॉन्ग हेयर पाना is really difficult. You have to do a lot of hard work, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए. You all know I am a news reader और मैं स्टूडेंट भी हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है. सो इतना सब कुछ एक साथ संभालना is not at all an easy task. और मुझे भागा दौड़ी करनी ही पड़ती है, कभी यहाँ कभी वहाँ. सो हेयर को एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा केयर मैं नहीं दे पाती हूँ जिससे कि लॉन्ग हेयर हो. सो मैं हमेशा हेयर कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि यू नो भागा दौड़ी में मैं वो एक्स्ट्रा केयर नहीं ले पाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे एंड्स काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं. एंड यू नो व्हाट, आई लव लॉन्ग हेयर, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए हेल्दी हेयर होना ज़रूरी है. मैंने कई सारे लोगों के देखा है कि बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल हैं, बट उनके जो एंड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है उन्हें. स्टिल देयर हेयर इज लॉन्ग, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है. पर्सनली आई डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ लॉन्ग हेयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग हेयर हो, लेकिन हेयर बहुत ज़्यादा डेंस हो, एंड्स बिल्कुल भी पतले ना हो, हेल्दी हेयर हो. सो अल्टीमेटली मुझे जो करना पड़ता है, जब मेरे हेयर थोड़े से लॉन्ग होते हैं स्प्लिट एंड्स की वजह से या फिर हेयर डैमेज की वजह से, आई हैव टू ट्रिम माई हेयर, विच आई डोंट लाइक, क्योंकि ट्रिमिंग करने की वजह से ऑब्वियसली हेयर लेंथ शॉर्ट हो जाता है. बट नाउ आई हैव केम अक्रॉस दिस वंडरफुल एंड मैजिकल प्रोडक्ट विच इज फ्रॉम लॉरियल पैरिस. दिस इज लॉरियल पैरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम. सो ये एक लिव इन कंडीशनर टाइप्स है जो आप अपने हेयर वॉश के बाद अपने हेयर पर, यू नो स्पेशली फोकसिंग ऑन द एंड्स ऑफ योर हेयर, आप इसे अप्लाई करेंगे एंड इट विल जस्ट मैनेज योर हेयर प्रॉपरली, ब्यूटिफुली. ये आपके स्प्लिट एंड्स को कंट्रोल करता है, हेयर को मैनेजेबल बनाता है एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कटिंग लास्ट 3 सेंटीमीटर्स ऑफ योर हेयर, क्योंकि आपके अभी जो लॉन्ग हेयर ड्रीम्स है वो पूरे होने वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज सो अमेजिंग. मैं जेन्युइनली इसे बता रही हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाई लॉरियल पैरिस. आई जस्ट लव्ड दिस वन. और मेरे हेयर काफी ज्यादा अभी यू नो लेंथ में भी इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि यू ऑल नो फ्यू मंथ्स बैक मैंने हेयर कट कराया था, बट बहुत जल्दी इतनी लेंथ तक बढ़ गए हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्रीम दैट नॉट ओनली मैनेजेस टू हेल्प योर हेयर रिमेन डैमेज फ्री, लेकिन ये आपके लास्ट 3 सेंटीमीटर की जो कटिंग की प्रॉब्लम है उसे भी दूर करता है एंड ऑल्सो योर एंड्स को काफी ज्यादा ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. देयर्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस क्रीम, जैसे ये डैमेज को प्रिवेंट करता है आपके हेयर के एंड्स में जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो जाती है ना, तो उस ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है. एंड यू नो व्हाट, इसका जो होल रेंज है दैट इज शैम्पू एंड कंडीशनर, तो अगर आप पूरे रेंज के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी तरीके से ये वर्क करता है, क्योंकि फिर आपके ओवरऑल हेयर के जो इश्यूज होते हैं जैसे हेयर फॉल एंड डैमेज्ड हेयर की प्रॉब्लम, उसे भी ये कंट्रोल करता है. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, स्पेशली दिस क्रीम. दिस क्रीम इज जस्ट अमेजिंग. सो एज यू गाइज कैन सी आई हैव वॉश्ड माई हेयर. तो ये जो हेयर क्रीम है नो हेयर कट क्रीम, ये बेस्ट वर्क करता है इफ़ यू यूज द एंटायर रेंज. मतलब अगर आप शैम्पू कंडीशनर जो कि इसके साथ आता है, ड्रीम लेंस रिस्टोरिंग शैम्पू एंड डी टैंगलिंग कंडीशनर, इसके साथ अगर आप इस हेयर क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो ये बेस्ट वर्क करता है. सो आपको इसे अपने वेट हेयर पर, गीले बालों पर अप्लाई करना है. मेरे बाल ऑलरेडी मैंने वॉश कर लिया है, कंडीशन कर लिया है एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस क्रीम. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको जस्ट आपको थोड़ा सा पुल करना है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड फिर आपको इस तरीके से इसे प्रेस करना है. सो यू कैन सी द क्रीम इज हियर. क्रीम बहुत ही ज्यादा क्रीमी है. वाओ, द फ्रेग्रेंस इज सो गुड. और मैं अपने यू नो हैंड्स एंड फिंगर टिप्स पर इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई अच्छे से स्प्रेड कर लिया है एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फोकसिंग ऑन द स्प्लिट एंड्स. अपने एंड्स पर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगी एंड वाओ, माय हेयर स्मेल्स सो गुड. यू नो व्हाट, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये किस तरीके से हमारे स्प्लिट एंड्स को दूर करता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है.
सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इसके इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है कि ये हेयर को इतना हेल्दी बनाता है, डैमेज से प्रिवेंट करता है. सो जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखे ना, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि इसके अंदर 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दोज 3 इंग्रेडिएंट्स आर, नंबर 1 इंग्रेडिएंट इज वेजिटल केराटिन, जो हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है हार्श ट्रीटमेंट से. इनफैक्ट हमारे जो एंड्स है उसे डैमेज बिल्कुल भी नहीं होने देता, पूरा सील कर देता है हमारे एंड्स. एंड वेजिटल केराटिन इज रियली गुड फॉर आवर हेयर. फिर इसके अंदर है कैस्टर ऑयल, विच हेल्प्स इन मेकिंग आवर हेयर लॉन्ग. और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. एंड इसके अंदर है विटामिन, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करता है, हेयर को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, ब्रेकेज से प्रिवेंट करता है, हेयर को रिपेयर करता है. सो ऑल दिस 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें होने की वजह से इतने अच्छे से ये हमारे जो लास्ट का 3 सेंटीमीटर है उसे बचाता है, हेयर कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड्स उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता है. एंड गाइस, मैंने इसे पूरा अप्लाई कर लिया है और मुझे काफी ज्यादा अभी से सॉफ्ट फील हो रही है मेरे हेयर. सो आई विल जस्ट वेट टिल माई हेयर ड्राइज एंड देन आई विल शो यू ऑल. ऑलराइट गाइस, सो आई हैव ड्राइड माई हेयर एंड मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है बिकॉज मेरा आज न्यूज रीडिंग है. सो आई एम गोइंग फॉर न्यूज रीडिंग. ओके एनीवेज, बट यू कैन सी माई हेयर, मतलब इंस्टेंटली ऐसा लग रहा है कि आई हैव डन अ हेयर स्पा फ्रॉम अ वेरी रिनॉन्ड पार्लर. मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है ना हेयर, बहुत ही ज्यादा हेल्दी, मैनेजेबल एंड काफी हद तक स्ट्रेट भी लग रहे हैं. आई डोंट नो वाई, बट मे बी मेरे हेयर ना नेचुरली स्ट्रेट ही है, बट जब यू नो डैमेज की वजह से बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल दिखता है एंड काफी ज्यादा अनहेल्दी लुकिंग हो जाते हैं मेरे हेयर, जिसकी वजह से उतना स्ट्रेट नहीं दिखता. बट राइट नाउ यू कैन सी माई हेयर, ईच स्ट्रैंड काफी ज्यादा हेल्दी फील हो रहा है, बाउंसी लग रहा है. डेफिनेटली दिस क्रीम वर्क्स. यू नो स्प्लिट एंड्स की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मुझे स्प्लिट एंड्स पर फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि एंड्स जो है वो सॉफ्ट दिख रही है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस क्रीम टू एवरीवन, क्योंकि इतनी इजीली, बहुत ज्यादा इजी स्टेप है एंड यू कैन सी द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. मतलब बहुत ही अच्छा है ये, highly recommended from my side. तो मैंने ये टेस्ट करके, ट्राई करके आप सबको रेकमेंड किया है. सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन ट्राई, एटलीस्ट यू आर गोना लव दिस वन. सो दिस L'Oreal Paris ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम इज सल्फेट एंड पैराबिन फ्री. सो दिस इज जस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर हेयर इश्यूज. एंड अभी देयर इज नो मोर टीयर्स वाइल कटिंग योर हेयर, क्योंकि पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा दुख होता है व्हेन आई कट माई लास्ट 3 सेंटीमीटर ऑफ हेयर, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो जाते हैं एंड्स. तो अभी तो मैं इस क्रीम को रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल कर रही हूँ वेन एवर आई एम शैम्पूइंग माई हेयर, सो ताकि मेरे हेयर काफी ज्यादा हेल्दी रहे एंड एंड्स भी मॉइस्चराइज रहे, सो दैट आई नेवर हैव टू कट माई हेयर जस्ट बिकॉज की हेयर काफी ज्यादा डैमेज हो गए हैं. एंड ऑल्सो अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, यू कैन परचेज फ्रॉम दैट लिंक. सो माई कंक्लूजन ऑन दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली गो फॉर दिस. अगर आपको लॉन्ग हेयर पसंद है, अगर आपको हेल्दी हेयर पसंद है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, देन जस्ट गो फॉर दिस. नॉट ओनली दिस क्रीम बट द एंटायर रेंज इज सो अमेजिंग. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.